दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि 2023 में टाइगर खान की फिल्म यानी कि भैया सलमान खान की फिल्म टाइगर के पार्ट थर्ड के रिलीज होने के बाद और भैया किंग खान शाहरुख खान की आखिरी फिल्म यानी कि भैया डंकी के रिलीज होने के बाद इन दोनों दिग्गज कलाकारों को लेकर एक सवाल हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी वायरल हो रहा था कि भैया अब इन लोगों की आने वाली अगली फिल्म कौन सी होगी। तो भाई इन सवालों का जवाब भैया आज फाइनली एक कलाकार के द्वारा तो दे दिया गया है उनके फैंस को, यानी कि भैया आज जैसे ही सलमान खान ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी अपने चाहने वालों को दी कि भैया रमजान के इस शुभ अवसर पर यानी कि आज से रमजान जो है वो शुरू हो चुका है, तो भैया इस ईद पर तो वो अपने चाहने वालों से ईदी लेने नहीं आएंगे ईद के मौके पर, लेकिन 2025 में ऐसी गलती नहीं होगी, 2025 की ईदी वो लेने आएंगे सिनेमाघरों में AR मुर्गादोस के डायरेक्शन में बन रही फिल्म के माध्यम से, जिसे प्रोड्यूस करने वाले हैं नाडे अडवाला, जो कि भैया 400 करोड़ के बजट पर बनने वाली है। तो भाई सलमान खान की आने वाली अगली फिल्म को लेकर जानकारी तो क्लियर हो गई इस खबर के साथ ही, लेकिन उसी के साथ ही किंग खान के दीवानों से यह सवाल पूछा जाने लगा कि भैया सलमान खान ने तो घोषणा कर दिया, अब किंग खान क्यों नहीं कर रहे हैं अपनी आने वाली अगली फिल्म का घोषणा, क्योंकि भैया इन दिनों किंग खान को लेकर कई सारे फिल्मों से उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। हाल फिलहाल में ही उनकी बेटी और उनकी फिल्म को लेकर यह खबर हम लोगों के सामने आई थी कि भैया शाहरुख खान जो है वो अपनी बेटी को बहुत जल्दी ही सिनेमाघरों में लॉन्च करेंगे एक ज़बरदस्त फिल्म यानी कि भैया किंग के माध्यम से, जिसका भैया राइट जो है ना यानी कि भैया ये जो किंग वाला राइट जो था वो था साजिद नाडियाडवाला के पास, और साजिद नाडियाडवाला ने ये राइट जो है यानी कि भैया टाइटल राइट जो है वो शाहरुख खान को ये कहते हुए दे दिया कि भैया ये टाइटल शाहरुख खान के ऊपर ही फिट बैठता है। और भाई जैसे ही ये खबर हम लोग के सामने आई थी तो भैया उसी समय ये बात पक्की हो गई थी कि भैया शाहरुख खान और सुहाना खान की आने वाली अगली फिल्म का नाम किंग हो सकता है, लेकिन क्या यही फिल्म 2025 में शाहरुख खान की पहली फिल्म बनेगी सिनेमाघरों में, यानी कि भैया यही फिल्म 2025 में पहले आएगी? तो भाई इसको लेकर अभी भी संशय का बाजार गर्म है, क्योंकि भैया वायर ऐप में इन दिनों कुछ ऐसा चल रहा है शाहरुख खान को लेकर जिस पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है, लेकिन भैया किसी को भनक नहीं लग रही है कि भैया इस वक्त वायर ऐप जो है वो शाहरुख खान को लेकर सोच क्या रहा है। हाल फिलहाल में ही शाहरुख खान को लेकर एक खबर ठीक वैसे ही वायरल कराई गई है जैसे एक खबर 2023 में काफ़ी वायरल हुई थी पठान और टाइगर के पार्ट थर्ड के रिलीज होने के बाद, यानी कि इन दोनों फिल्मों में आप लोगों ने ये बात देखी है कि भैया इन दोनों फिल्मों के मुख्य कलाकार जो हैं वो एक दूसरे की फिल्म में कैमियो वाला किरदार कर रहे थे, यानी कि भैया जब पठान में टाइगर की एंट्री हुई और भैया टाइगर में जब पठान की एंट्री हुई तो भैया उसी वक्त एक खबर अचानक से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर गर्म होने लगी कि भैया अब ये दोनों कलाकार एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे जिसका नाम होगा पठान वर्सेस टाइगर, और भाई इन दोनों के बीच में इस फिल्म में जबरदस्त मुकाबला होगा, यानी भैया ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। तो ये खबर जब हम लोग के सामने आई तो भैया उसी के साथ ही ये बात फैलाई जाने लगी कि भैया अब YRF जो है वो अगली फिल्म जो इन दोनों कलाकारों को लेकर आएगी वो यही फिल्म होगी, लेकिन इससे पहले कि ये फिल्म फ्लोर पर जाती है इस फिल्म को लेकर और सारी खबरें हम लोगों के सामने आती कि भैया ये फिल्म जो है वो कुछ सालों के लिए डब्बे में चली गई, और उसके साथ ही भैया YRF ने अपना दूसरा कार्ड खेलना शुरू किया कि भैया देखिए ऐसा है कि भैया पठान और टाइगर को आपस में भिड़ाने से पहले हमें वो मुद्दा बनाना पड़ेगा ना कि भैया क्यों ये दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे, यानी कि भैया पहले उस फिल्म को लेकर बज क्रिएट किया गया, उसके बाद भाई उसी बज का इस्तेमाल करते हुए ये बात बताई गई कि भैया हम पहले ये फिल्में सिनेमाघरों में लाएंगे जिसके माध्यम से लोगों को ये बात पता चलेगी कि भैया इन दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी की असली वजह क्या है, यानी कि भैया इस फिल्म के आने से पहले पठान का पार्ट 2 आएगा और उसके साथ आलिया भट्ट की वो फिल्म आएगी जिसके माध्यम से ये बात क्लियर होगी कि भैया ये दोनों दोस्त आखिर में दुश्मन बने तो बने कैसे, यानी कि भैया एक तीर से YRF ने दो निशाने कर दिए, यानी कि भैया एक ही साथ भैया उन्होंने सलमान खान के फैंस को भी साथ लिया और शाहरुख खान के फैंस को भी साथ लिया कि भैया ये बात बताते हुए कि अगर आप लोग इस फिल्म को छोड़ देंगे तो भैया आपको वो बात पता नहीं चल पाएगी कि आखिर में ये दोनों दोस्त दुश्मन बने कैसे। और भाई इसी के साथ ही भैया पठान के पार्ट 2 की भी मार्केटिंग हो गई, आलिया भट्ट के फिल्म की भी मार्केटिंग हो गई, और उसके साथ भैया YRF के स्पाई वर्ल्ड की दुनिया की आने वाली अगली फिल्म यानी कि भैया वॉर के पार्ट 2 की भी मार्केटिंग हो गई कि भैया इन सभी फिल्मों का लिंक कहीं ना कहीं
पठान और टाइगर के दुश्मनी के बीच में है, यानी कि भैया एक तीर से तीन निशाने। इसको कहते हैं भाई आदित्य चोपड़ा का दिमाग, जिनको भैया मैं हमेशा स्मार्ट बिजनेसमैन के तौर पर जानता हूँ। आज वायर ऐप भैया बॉलीवुड के सबसे बड़ी प्रोडक्शन हाउस क्यों है, उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि भाई वायर ऐप के जो कर्ता धरता है ना, यानी कि आदित्य चोपड़ा, वो अपने पत्ते इतनी आसानी से किसी के सामने नहीं खोलते हैं। तो भाई ये सब कुछ चल रहा है, लेकिन वायर ऐप को लेकर जितना मैं समझता हूँ, यानी कि भैया वायर ऐप के प्लान को मैं जितना जल्दी समझता हूँ भैया, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वायर ऐप जो है वो बहुत जल्दी ही पठान के पार्ट टू का काम शुरू करेगी, या फिर भैया पठान वर्सेस टाइगर का काम शुरू करेगी, यानी इन दोनों फिल्मों को इतना जल्दी वायर ऐप लेकर नहीं आएगी। यानी कि भैया वायर ऐप का जो अटेंशन इस वक्त जिन फिल्मों पर टिका हुआ है वो है वॉर का पार्ट टू, और उसके बाद भैया आलिया भट्ट की आने वाली वो फिल्म जिसके माध्यम से वायर ऐप के स्पाई वर्ल्ड में दो भैया लेडी एजेंट्स की एंट्री होने वाली है, यानी भैया आलिया भट्ट और सर्वरी वॉक की। यानी भैया इन दोनों फिल्मों को पहले इन फिल्मों के नाम से भुनाया जाएगा, उसके बाद पठान का पार्ट टू, और उसके बाद भैया पठान वर्सेस टाइगर सिनेमाघरों में लाया जाएगा। तो भाई वहां पर जब ये दोनों फिल्में थोड़ा सा पीछे जाती नजर आ रही है, तो भैया एट प्रेजेंट टाइम वायर ऐप शाहरुख खान के साथ क्या अलग करने की तैयारियों में जुटी हुई है, जिसकी खबरें तो निकल के आ रही है, लेकिन भैया उनको फैलने नहीं दिया जा रहा है। पहले थोड़ी सी सुगबुगाहट इस फिल्म को लेकर फैलाई गई थी, ताकि वायर ऐप की जो मार्केटिंग टीम है वो ये बात समझ सके कि भैया इस फिल्म को लेकर पब्लिक के बीच में बज किस लेवल का है। यानी कि भाई वायर ऐप की वो सुपर डुपर हिट फ्रेंचाइजी जिसका नाम बीच बच कर वायर ऐप ने ये बात बताई थी कि भैया ये फ्रेंचाइजी जब भी सिनेमाघरों में आएगी तो लोगों को भैया एक धमाकेदार धूम वाला इफेक्ट सिनेमाघरों में देखने को मिलेगा। यानी भैया धूम के पार्ट फोर को लेकर कुछ तो खिचड़ी पक रही है इस वक्त वायर ऐप के अंदर में, जिसको लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आ रही है कि भैया बहुत जल्दी ही इस फिल्म को लेकर बड़ा धमाका होने वाला है। खबरें तो यहाँ तक आ रही है कि भैया इस फिल्म के स्क्रिप्टिंग पर इंजीनियरों काम बहुत ही तेज गति से कंप्लीट किया जा रहा है, यानी भैया ये फिल्म स्क्रिप्ट लेवल पर तैयार हो चुकी है और इसका प्री प्रोडक्शन जो है वो पैरेलली इस फिल्म के स्क्रिप्ट के काम के साथ हो रहा है, और बहुत जल्दी ही इस फिल्म की घोषणा की जाएगी वाईआरएफ के मेकरों के द्वारा कि भैया ये फिल्म फ्लोर पर जा रही है और इस फिल्म में भैया शाहरुख खान की एंट्री हो रही है। यानी कि भैया शाहरुख खान को एज ए विलन के तौर पर इस फिल्म में दिखाने की तैयारियों में जुट रही है वाईआरएफ, जिसकी तरफ वायर ऐप किसी का ध्यान केंद्रित होने नहीं देना चाहती। यानी भैया एक सरप्राइजिंग गिफ्ट होगा वायर ऐप की तरफ से शाहरुख खान के दीवानों के लिए, और भाई मुझे इसी फिल्म पर सबसे ज़्यादा भरोसा है। यानी कि भैया अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की आने वाली बैक टू बैक तीन फिल्मों की, जिसको लेकर बहुत जल्दी ही घोषणा कर दी जाएगी, तो भैया वो तीन फिल्में कौन सी होंगी? तो भैया पहली फिल्म होगी शाहरुख खान और सुहाना खान की फिल्म किंग, दूसरी फिल्म होगी भैया धूम का पार्ट फोर, और तीसरी फिल्म होगी मेरे भाई पठान का पार्ट टू। तो भैया गेम बहुत भारी है, यानी कि भैया 3-in-1 पावर हम लोगों ने देखा था भैया 2023 में शाहरुख खान का, यानी कि एक कलाकार तीन धमाकेदार परफॉर्मेंस, और कुछ ऐसा ही फिर से करने की तैयारियों में जुट चुके हैं बॉलीवुड के किंग खान। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा कि भैया ये जो खबरें निकल के आ रही हैं किंग खान की आने वाली अगली फिल्म को लेकर, उनको देखने के बाद आपको क्या लगता है कि भाई क्या शाहरुख खान इतनी आसानी से अपने पत्ते खोलेंगे? भाई उन्होंने जो कामयाबी हासिल की है एक लंबे गैप के बाद, यानी कि भैया उन्होंने जो बुरा दौर देखा था बीच में, उसको वो यूं ही डाउन होने देंगे? यानी कि भैया हाइप टॉप लेवल पर होगा तभी वो किसी फिल्म को सिनेमाघरों में लेकर आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। वैसे आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, जो विश्लेषण मैंने आप लोगों के सामने रखा है उसमें आपको कोई दम दिख रहा है? अगर दिख रहा होगा तो भैया अपने कमेंट के माध्यम से इस भाई की सराहना कीजिएगा और हमारे चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइएगा। यार इन दिनों कई लोग मुझसे ये बात भी कहते हैं कि भैया आपके वीडियोज़ तो होते अच्छे हैं, आप जानकारियाँ तो अच्छे देते हैं, लेकिन आपके वीडियोज़ लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। पता नहीं यार यूट्यूब का मुझसे दुश्मनी क्या हो गई है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वॉर्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।